इंडिया में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक ऐसे जो एनिमे को हेट करते हैं और दूसरे ऐसे जिनके सामने आप एनिमे को हेट नहीं कर सकते। बट अपना किसी भी तरह का ओपिनियन बनाने से पहले इन टॉप क्लास हिंदी डब एनिमेस को जरूर देखना। वास्तविकता के साथ जागो, ये शराब दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। ये लड़का जितना लकी है उतना ही अनलकी भी है। दुनिया में जब हम कदम रखते हैं तब कुछ लोग तय कर लेते हैं कि हमारी औकात क्या है। अपने खराब और अगली फिजिकल अपीयरेंस की वजह से इसे इतना बुली होना पड़ा कि एनविस ने अपना स्कूल ही शिफ्ट कर लिया। सुअर की आवाज निकाल के दिखा। अब इसका लकी गेट ओपन होता है और इसके पास एक ऐसी एबिलिटी आती है जिससे ये अपने इस बॉडी लुक को कम्प्लीटली स्विच कर सकता है एक टॉल हैंडसम और यंग लड़के के अंदर। इस चमत्कार के बाद इसकी लाइफ, सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीजें किस तरह से बदलती है ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे 2022 में टॉप क्लास हिंदी डबिंग के साथ 8 एपिसोड नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल एनिमे लुकिज्म के अंदर। जिस तरह से इसने अपना बॉडी स्विच किया है उसी तरह से आपको अपने माइंड को स्विच करके इस एनिमे को एंजॉय करना है, क्योंकि अगर आप इसके लॉजिक और कंसेप्ट के अंदर जाएंगे तो आपको मतलब कुछ भी वाली फीलिंग आएगी। पर्सनली मैंने इस छोटे से लाइट हार्टेड एनिमे को एंजॉय किया है। आपने अब तक जितनी भी एडल्ट मूवी सीरीज देखी है वो सारी एक तरफ और केटा कावा का क्यूटनेस और इनोसेंस एक तरफ। सीरीज सिर्फ आपको एडल्ट सीन्स दिखाकर बेवकूफ नहीं बनाएगी बल्कि आपको अलग अलग इमोशंस का स्मूथ राइड कराएगी, जिसे कंप्लीट करने के बाद आपको गिल्टी प्लेजर और सेटिस्फेक्शन दोनों फीलिंग्स आएगी। 2022 में रिलीज हुई 12 एपिसोड के साथ क्रंची रोल पे हिंदी में अवेलेबल माय ड्रेस अप डार्लिंग। ये लड़का प्योर इंट्रोवर्टेड है जिसे सिर्फ हिना डॉल से ऑब्सेशन है और इसके अलावा इसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। जब ये एक ऐसी एक्सट्रोवर्टेड और चार्मिंग लड़की से मिलता है जो हर चीज में इसे टोटली अपोजिट है, इन दोनों के फ्यूजन से जो कुछ भी आपको इस सीरीज के अंदर देखने मिलेगा सब कुछ रिलैक्सिंग और फन टू वॉच है। मैंने बहुत एनिमे तो नहीं देखा लेकिन ये डेफिनेटली मेरी वन ऑफ द फेवरेट रोमकॉम एनिमे में से एक होगा। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ इंसान और डेविल साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, पर इंसानों को इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है अपनी जान देकर, क्योंकि इन डेविल्स का खुराक इंसानों के ब्लड से पूरा होता है। अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, जिसके लिए इंसानों ने कैसी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसमें ये इन डेविल्स का हंट करते हैं खुद को बचाने के लिए। 2022 में आई नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 12 एपिसोड के साथ चैनसो मैन। ऑनेस्टली मैंने इस एनिमे को जापानीज लैंग्वेज में इंग्लिश सब्स के साथ देखा है लेकिन आप इसे क्रंची रोल पे हिंदी में भी देख सकते हैं। सीरीज का लीड कैरेक्टर डेंजी, जिसकी लाइफ पूरी तरह से फक्ड अप है और ऊपर से इसके सर पे बहुत सारा डेब्ट, जिसे छुटकारा पाने के लिए इन डेविल्स की हंटिंग करता है। 100% प्योर आर रेटेड, जिसमें आपको भर भर के ब्लड, वायलेंस, न्यूडिटी और हर एपिसोड के एंड में नेक्स्ट लेवल का क्लिफहैंगर, जिससे ये सीरीज हाईली एंगेजिंग बन जाती है। ओवरऑल ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसे देखने के बाद आप एनिमे को कार्टून बोलने वाली मेंटालिटी को बहुत पीछे छोड़ देंगे। इस दुनिया में ऑलमोस्ट 80-90% पॉपुलेशन के पास कुछ खास और यूनिक तरह की एबिलिटीज है और इस बेसिस पे इन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया है, सुपर हीरोज और सुपर विलेंस। बट 10-20% ऐसे लोगों की पॉपुलेशन है जिनके पास कोई एबिलिटीज नहीं है, जिन्हें नॉर्म्स कहा जाता है। जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है लेकिन इसके सपने सारे सुपर हीरोज वाले हैं और ये भी इस दुनिया को सुपर विलेन से बचाना चाहता है। अब इसके जीरो से हीरो बनने की सफर कितनी रोमांचित है ये सब देखेंगे आप इस सीरीज के अंदर। इतने सारे करेक्टर, सर करेक्टर की यूनिकनेस, पावर, स्टाइल बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक इसका सीजन फर्स्ट ही कम्प्लीट किया है लेकिन आगे इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करूंगा। और फाइनली लिस्ट की नंबर वन की सीरीज 2002 में रिलीज हुई 25 सीएम 20 एपिसोड नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन। सीरीज लिटरली एक स्लो पॉइजन है, आप इस सीरीज को जितना टाइम देंगे उतने ही आप इस सीरीज के अंदर धंसते चले जाएंगे। इस लेवल की एक्सट्रीम फीलिंग मुझे लास्ट टाइम ब्रेकिंग बैड देखते हुए आई थी। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. नारुतो उजुमाकी नाम का ये लड़का जिसके लाइफ में ट्रेजेडी भरी पड़ी है बट इन सब के बावजूद इसने आज तक किसी के आगे हार नहीं मानी। इसका बस एक ही सपना है और वो है सबसे महान होकागे बनना और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके अलावा इस सीरीज के अदर लेजेंडरी कैरेक्टर सास्के उचिहा, काकासी सेंसेई, इताची उचिहा, ये सारे एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर है। हर कैरेक्टर की पास्ट स्टोरी, लाइफ एम, टॉप क्लास के स्टोरी टेलिंग, सुकून देने वाली बीजीएम, नेक्स्ट लेवल के एक्शन सीन्स और सैकड़ों लाइफ लेसन, ये एक टाइमलेस मास्टरपीस एनिमे है जिसके बारे में जितना बात करूं उतना ही कम लगता है, इसलिए आप इस लेजेंडरी एनिमे को मिस मत करो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आकाश की आवाज सुधोता।